इस व्यस्त लाइफस्टाइल में सिर दर्द होना एक आम बात है। माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिसे दवा से ज्यादा व्यक्ति के सही तरीके से खान पान और लाइफस्टाइल में सुधार की जरूरत होती है। ये दर्द सिर के आम दर्द से बिल्कुल अलग होता है। इसमें दर्द के साथ उल्टियां भी होती हैं। माइग्रेन में दवा से ज्यादा व्यक्ति के सही तरीके से खान पान और लाइफस्टाइल में सुधार की जरूरत होती है। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिर दर्द यानी कि माइग्रेन की परेशानी से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, माइग्रेन का अटैक कम किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करें। सुबह जल्दी उठना और जल्दी सोना बेहद ही जरूरी है। ज्यादा सोना या कम सोना भी माइग्रेन का कारण बन सकता है। सुबह उठने के एक घंटे के अंदर नाश्ता करना जरूरी होता है। कैफीन युक्त पेय पदार्थ, चॉकलेट और यह सब चीजें माइग्रेन के ट्रिगर होते हैं। इन्हें खाने से आपको बचना चाहिए। प्राणायाम और कार्डियो एक्सरसाइज जरूर करें। दिन में थोड़ा थोड़ा खाते रहें। ज्यादा ऑयली या मिर्च मसाला ना खाएं। ऐसा आहार लें जिसमें मैग्नीशियम, जिंक और ओमेगा फैटी एसिड ज्यादा हो। खट्टे फलों के साथ केला खाने से भी बचें। वहीं दोस्तों, धूप में जाने से भी आपको बचना चाहिए। ज्यादा शोर या रोशनी में ना रहें। भूखे बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि इससे भी आपको एसिडिटी का खतरा बन सकता है, जिससे माइग्रेन की समस्या आपको हो सकती है। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज या नींद भी माइग्रेन का कारण बन सकती है। और दोस्तों, जितना हो सके खुद को गर्मी और ठंड से ज्यादा दूर रखें। यानी कि एकदम से ही अगर आप ठंडा पानी पीते हैं, उसके बाद गर्म पानी का सेवन कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको इन सब से बचना चाहिए। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।